ऑर्बिटल एमआरआई। ऑर्बिटल एमआरआई एक तिब्बी इमेजिंग टेक्निक है जो आँख और इर्द गिर्द के ढांचे की तफसीली तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि ऑप्टिक आसाब और पट्टे जो आँखों की हरकत को कंट्रोल करते हैं। और इस किस्म का एमआरआई आँख और गिर्द के ढांचे की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर बनाने के लिए खसूसी मकनतीसी टेक्निक यानी एमआरआई स्कैनर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। ये आमतौर पर ट्यूमर, सोजिश और आँखों के और इर्द गिर्द के ढांचे को मुतासर करने वाली दीगर बीमारियों जैसे हालात की तशखीस और निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। एक डॉक्टर इस एमआरआई का हुक्म उस वक्त देता है जब किसी मरीज को शुबा हो कि ऐसी हालत है जो आँख और इर्द गिर्द के ढांचे को मुतासर कर रही हो। ऑर्बिटल एमआरआई की कुछ आम वजूहात में शामिल है, नंबर एक, आँखों के मुश्तबा ट्यूमर जैसे ऑर्बिटल मैस और ऑप्टिक आसाब में ट्यूमर, नंबर दो, आँख या इर्द गिर्द के ढांचे में सोजिश या इन्फेक्शन जैसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, नंबर थ्री, आँख या इर्द गिर्द के ढांचे को ट्रामा या कोई चोट जैसे आँख को धचका या ऑर्बिटल फ्रैक्चर, आसाबी हालात जो आँख को मुतासर करते हैं जैसे कि एक से ज़्यादा स्क्लेरोसिस या दिमागी ट्यूमर जो ऑप्टिक आसाब पर दबाव डाल रहा हो, नंबर फाइव, थायराइड आँख की बीमारी यानी थायराइड आई डिजीज़ या लिम्फोमा जैसे हालात की के इलाज के नतायज का जायजा लेने के लिए, नंबर सिक्स, आँख की सर्जरी के नतायज का जायजा लेने के लिए जैसे कि ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी। ये नोट करना ज़रूरी है कि ऑर्बिटल एमआरआई आमतौर पर और दीगर तशखीसी टेस्टों के साथ मिलकर तरतीब दिया जाता है, जैसे कि सिटी स्कैन या चश्म का मुआयना हालात की मुकम्मल तस्वीर फराहम करने के लिए। एक ऑर्बिटल एमआरआई को अक्सर दीगर इमेजिंग टेक्निक्स पर तरजीह दी जाती है क्योंकि ये आँख और इर्द गिर्द के ढांचे की तफसीली तस्वीर फराहम कर सकती है, जैसे ऑप्टिक आसाब और पट्टे जो आँखों को हरकत को कंट्रोल करते हैं। एमआरआई जिस्म के अंदर की तफसीली तस्वीर बनाने के लिए एक ताकतवर मकनतीसी ग्राउंड, रेडियो लहरों और एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है जो एक्सरे और सिटी स्कैन के बरक्स एमआरआई आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करता, जो इसे बहुत से मरीजों के लिए एक महफूज ऑप्शन बनाता है। ऑर्बिटल एमआरआई के कुछ फ़वाद में शामिल है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। एक ऑर्बिटल एमआरआई आँखों और इर्द गिर्द के ढांचे की तफसीली तस्वीर फराहम कर सकता है जिससे हालात की दुरुस्त तशखीस और निगरानी की जाती है। नंबर दो, नर्म बाफतों के बरक्स यानी सॉफ्ट टिश्यूज के पीछे। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यूज के ढांचे को जाहिर करने में खास तौर पर अच्छा है, जैसे ऑप्टिक आसाब और पट्टे जो आँखों की हरकत को कंट्रोल करते हैं, जो ट्यूमर या सोजिश जैसे हालात का पता लगाने में कारामत साबित हो सकते हैं। नंबर थ्री, मल्टीप्लेनर इमेजेस। एक ऑर्बिटल एमआरआई मुतअद्दिद हिस्सों में तस्वीर बना सकता है जो आँख और इर्द गिर्द के ढांचे की ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर फराहम कर सकता है। नंबर फोर, कोई आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, एमआरआई आयनाइजिंग तबकारी का इस्तेमाल नहीं करता, जो इसे बहुत से मरीजों के लिए एक महफूज ऑप्शन बनाता है। नंबर फाइव, ज़्यादातर लोगों के लिए महफूज। एक एमआरआई आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के लिए महफूज है, हालांकि इसमें कुछ मुस्तस्नियात हैं, जैसे कि जिन लोगों के जिस्म में मखसूस किस्म की धातें हैं या वो लोग जो हामला हैं। मजमूई तौर पर एक ऑर्बिटल एमआरआई एक कीमती तशखीसी आला है जो आँख और इर्द गिर्द के ढांचे की तफसीली तस्वीर फराहम कर सकता है। आपका डॉक्टर मरीज को दुरुस्त तशखीस के लिए और इलाज की निगरानी में मदद करता है। मजमूई तौर पर एक ऑर्बिटल एमआरआई को एक महफूज तरीक़ेकार समझा जाता है। एक्सरे और सिटी स्कैन के बरक्स एमआरआई रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करता, तहम गौर करने के लिए कुछ मुमकिन खतरात और एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। जिन लोगों के जिस्म में मखसूस किस्म की धातें हैं जैसे पेसमेकर, कॉकलियर इम्प्लांट्स, एनरिज्म क्लिप्स, शार्प नेल्स, और इनका एमआरआई स्कैन नहीं हो सकता। वो लोग जो हामला हैं या सस्पेक्टेड हो सकते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर एमआरआई नहीं करवाना चाहिए। जो लोग क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं, उन्हें स्कैन की मुद्दत तक एमआरआई मशीन के अंदर खामोश रहना मुश्किल हो सकता है। एमआरआई में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेटिक ग्राउंड और रेडियो वेव्स जिस्म के बाज़ हिस्सों में गर्मी का एहसास, झनझनाहट और जलन का सबब बन सकती हैं। गुर्दे के मसाइल में कुछ मरीज इसके बरक्स एमआरआई नहीं कर पाते, जो कि खास रंग जो खून के धारे में दाखिल किया जाता है ताकि स्कैन पर जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों को ज़्यादा नुमाया देखा जा सके। अपने डॉक्टर के साथ अपनी तिब्बी मालूमात, अद्वियात, और अगर आपके पास कोई धाती इम्प्लांट है तो एमआरआई कराने से पहले बशमूल ऑर्बिटल एमआरआई के बारे में बात करना हमेशा ज़रूरी है। आपका डॉक्टर स्कैन के खतरात और फवायद का वजन करने
और इस बात का तायुन करने में आपकी मदद करेगा कि आया ये आपके लिए सही है या नहीं। शुक्रिया।